कौन सी आस्था, कैसी आस्था बताओ? आपने कभी देखा है ब्रह्म विष्णु महेश को? आपने कभी उनकी हिस्ट्री जानते हैं आप? कभी चार सिर पैर, कभी चार सिर वाला, चार हाथ पैर वाला आदमी होता है? आप खुद बताइए। तो उनके भगवान है ना? नहीं, ऐसे कहने से भगवान थोड़ी ना होते हैं, ठीक है, काम भी तो होने चाहिए ना कुछ, या उनके कोई अस्तित्व होना चाहिए, वजूद होना चाहिए। केजरीवाल दलित विरोधी है? केजरीवाल जो है RSS का छोटा रिचार्ज है, वो BJP की टू पार्टी है वो। अभी बाबा साहब के ही टोर्स को अगर तुम जनता के बीच में नहीं लाने दोगे तो किस बात के बाबा साहब को तुम अप्रोप्रिएट करके बैठे हो? किस बात को बाबा साहब को अपना नेता बना के बैठे हो? केजरीवाल जी जो है बाबा साहब का नाम तो लेते हैं लेकिन उनके विचारों को नहीं मानना चाहते, उड़ना चाहते कि लोग माने। तो जो है सरकारी स्कूलों में दिल्ली के सभी जाके देखिए कितने बाबा साहब के पाठ ऐड कर दिए गए हैं, कितना बाबा साहब को पढ़ाया जा रहा। तो आज जिस तरीके से ये जमावड़ा जो इकट्ठा हुआ है बहुजन समाज का राजनपाल गौतम का समर्थन में, तो क्या कुछ लगता है आपको जिस तरीके से षड्यंत्र रचा जा रहा लगातार बहुजन समाज के युवाओं के प्रति, नेताओं के प्रति, तो क्या कुछ है इसके खिलाफ पीछे? सभी साथियों को मेरा जय भीम। सबसे पहले मैं बता दूं कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि राजेंद्र पाल जी ने कोई असंवैधानिक काम तो करा नहीं है, ठीक है। उन्होंने जो है बाबा साहब की दी हुई धम की 22 प्रतिज्ञाएं दोहराई है, और जो कि पूरे देश में जगह जगह दोहराई जाती है, ठीक है, हर साल दोहराई जाती है। ऐसी कोई बात नहीं कि उन्होंने कोई गैरकानूनी काम करा, बट जो है BJP के लोग, RSS के लोग जो है उन्हें एक भटकाने का काम कर रहे हैं कि जी उन्होंने ब्रह्मा विष्णु है इसका क्यों विरोध करा। ये तो जो है बाबा साहब पहले ही विरोध करके चले गए हैं, ठीक है, और बल्कि हम उन्हें पूजे क्यों, ठीक है, सबसे बड़ी बात तो ये है। और जो वो काम कर रहे हैं कोई असंवैधानिक है नहीं कार्य, कौन सी आस्था, कैसी आस्था बताओ? आपने कभी देखा है ब्रह्म विष्णु महेश को? आपने कभी उनकी हिस्ट्री जानते हैं आप? कभी चार सिर पैर, कभी चार सिर वाला, चार हाथ पैर वाला आदमी होता है? आप खुद बताइए। तो उनके भगवान है ना? नहीं, ऐसे कहने से भगवान थोड़ी ना होते हैं, ठीक है, काम भी तो होने चाहिए ना कुछ, या उनके कोई अस्तित्व होना चाहिए, वजूद होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं लोग, केजरीवाल जो है RSS का छोटा रिचार्ज है, वो BJP की टू पार्टी है वो, और तो और ऐसे हैं कि जो है उनके ही दबाव में आने के बाद राजेंद्र पाल जी ने इस्तीफा दिया है। राजेंद्र पाल तो इस चीज पे एक्सेप्ट नहीं करे लगातार, जब भी वो बात करते हैं अभी भी उन्होंने स्पीच दी है कि गुजरात में हारने का डर है। देखिए वो अपनी पार्टी के जो है लिए ठीक है, ईमानदार है, हम उस बात से नहीं कुछ कहेंगे, ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है जो भी कह रहे हैं, बट जो जो सच्चाई है, जो हकीकत है, वह ये है कि जो है केजरीवाल जी के जो है दबाव में आके राजेंद्र पाल जी ने इस्तीफा दिया है। अच्छा, पहले जो है तो मतलब विधायक का इस्तीफा दिया उन्होंने, वाल्मीकि समाज से संदीप जी, आप मंत्री जी का इस्तीफा ले लिया है, तो ये चाहते नहीं है ना जब बहुजन समाज के लोग आगे बढ़े। केजरीवाल जी जो है बाबा साहब का नाम तो लेते हैं लेकिन उनके विचारों को नहीं मानना चाहते, उड़ना चाहते कि लोग माने। पर वो तो कहते हैं कि आप जो है गौसे को पढ़ाएं, बाबा साहब को पढ़ाएंगे दिल्ली के अंदर। कहने से देखिए नहीं हो जाता कुछ भी। आप जो है सरकारी स्कूलों में दिल्ली के सभी जाके देखिए कितने बाबा साहब के पाठ ऐड कर दिए गए हैं, कितना बाबा साहब को पढ़ाया जा रहा, कितने बाबा साहब की जो है विचारधारा पढ़ाई जा रही है। सरकारी दफ्तरों में तस्वीरें लगा दी हैं सर, तस्वीरें लगाने से जो कुछ नहीं होता जब तक उनके बारे में पढ़ाया ना जाए, जाना ना जाए, ठीक है। लेकिन अब तो RSS के जो प्रमुख हैं उन्होंने भी इस बात को जो है क्या कहा है, 7 तारीख को जो बयान दिया था कि हमारे लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए दलित समाज से, अपमान किया हमने। देखिए देखो ये साफ साफ जो मोहन भागवत का जो दिखावा किया जा रहा है एक दलित समाज के प्रति, और किस तरह का दिखावा चल रहा है ये साफ साफ RSS के एजेंडे में दिखेगा। और केजरीवाल किस तरह, हम तो कहते हैं आज भी कि बहुजन समाज के लोगों को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। जिस तरीके से बड़ी बड़ी पार्टीज के लोग, हर पार्टी में स्थिति होती है, चाहे दलित समाज से आता हो या मुस्लिम समाज से आता हो या आदिवासी समाज से आता हो, उन व्यक्तियों के साथ इसी तरीके से उनको उस पार्टी से निकाल दिया जाता है। आखिर वो आम आदमी पार्टी किस उस पर चलती है, भगत सिंह के उसपे मार्ग पे या अंबेडकर के मार्ग पे? तो जब अंबेडकर के मार्ग पे अपने आप को दलितों की पार्टी जब बोलती है तो क्यों बाबा साहेब की जो 22 प्रतिज्ञा थी उनको दोहराने पे उनको आज ये स्थिति बनाई पड़ी कि एक उनके MLA को अपना मंत्री पद का इस्तीफा देना पड़ा। साफ साफ क्वेश्चन ये केजरीवाल सरकार से भी है, केजरीवाल सरकार जिस तरीके से RSS की भी पार्टी है और वहाँ और उसकी पूरी तरीके से पीछे से जिस तरीके से दलाली कर रही है वो यहाँ पे बहुजन समाज को साफ साफ दिख रहा है। हम भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन से जो MLA जी है, मंत्री जी है, उनके साथ हैं और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। आगे की क्या रणनीति है इसके बाद आपकी?
आगे की रणनीति है कि ये आंदोलन जो बहुजन समाज ने उठाया है इसको आगे तक ले जाएंगे, सड़कों पे ले जाएंगे, और जब तक बहुजन समाज का खुद की अपनी सत्ता नहीं हासिल हो जाती हम रुकेंगे नहीं। पर मंत्री जी एक तरफ जो है केजरीवाल अपनी पार्टी के प्रति काफी ईमानदारी दिखा रहे हैं, पर वहीं पार्टी और केजरीवाल के साथ नहीं खड़े। मैं तो पूछना चाहता हूं कि पार्टी किन लोगों से बनती है? पार्टी जनता से बनती है ना, और जनता का चुना हुआ नेता जब उसको उसके मंत्री पद से हटा दिया जाएगा तो किस कैसी पार्टी रह जाएगी? वो पार्टी तो जनता की होती है, तो जनता के प्रति ईमानदार रहो ना। अगर बाबा साहब को तुम बाबा साहब की फोटो दफ्तर में लगाते हो, बाबा साहब के नाम पे राजनीति कर रहे हो, तो बाबा साहब के जो आइडियाज हैं वो सोसाइटी के अंदर क्यों नहीं आने चाहिए? बाबा साहब ने जो प्रतिज्ञा बोली है वो एक बहुजन और आम जनता के बीच में क्यों नहीं जानी चाहिए? मंत्री जी ने वही बात धम चक्कर परिवर्तन वाले दिन जो 21 प्रतिज्ञाएं ली 22 प्रतिज्ञाएं ली उनको बस जनता तक पहुंचाया, बाबा साहब के आइडियाज को थॉट्स को जनता तक पहुंचाया, यही तो काम किया। अभी बाबा साहब के ही थॉट्स को अगर तुम जनता के बीच में नहीं लाने दोगे तो किस बात के बाबा साहब को तुम अप्रोप्रिएट करके बैठे हो? किस बात को बाबा साहब को अपना नेता बना के बैठे हो? बाबा साहब हर उस ओप्रेस जो डिप्रेस क्लास के नेता हैं जो उनकी आवाज़ को उनके आइडियाज पर चल रहा है, और हम बाबा साहब की जो राजनीतिक लड़ाई है और जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो क्या लगता है आपको कि केजरीवाल दलित विरोधी सरकार बन चुकी है? एकदम साफ साफ, आपने कुछ देरी पहले अभी संदीप सिंह का नाम लिया, वाल्मीकि समाज से जो आते हैं उनका इस्तीफा दिलाया, अभी राजेंद्र गोपाल गौतम जी का इस्तीफा दिलाया। तो ये किस तरह की चीज़ें जो हम चीज़ें सीखते हैं आम जनता ग्राउंड से सीखते हैं ना, तो ये किस तरह की चीज़ें हो रही है जो दलित समाज और बहुजन समाज के विरोध में की जा रही हैं? अगर बाबा साहब के आइडियाज़ को तो एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो हमारे लीडर्स को भी एक्सेप्ट नहीं करोगे? हम अपनी लड़ाई स्वयं लड़ेंगे। तो जिस तरीके से संदीप वाल्मीकि अब पूरी तरह से केजरीवाल उनकी पार्टी से अलग हो चुके हैं, तो क्या मंत्री जी का भी होना चाहिए? हाँ, हम तो कहेंगे कि आप एकदम अपनी आवाज़ आके सामने समाज का नेता बन के लड़िए। ऐसी पार्टी ऐसे नेता को डिजर्व नहीं करती। इस पार्टी को साफ साफ सबक सीखना चाहिए, और अगर बाबा साहब का नाम लेती है तो बाबा साहब के आइडियाज पे भी चलना चाहिए। हम तो यही बोलना चाहेंगे। काफी लोगों का आज नारा था कि मंत्री जी को इस्तीफा मतलब वापस लो इस्तीफा। हाँ, तो मतलब मंत्री पद से इस्तीफा वापस लो ना, लेकिन जिस तरीके दलित विरोधी गतिविधि चल रही है उसके खिलाफ तो हमारा आवाज बुलंद रहेगी। एक तरफ आप बोल रहे कि केजरीवाल जो दलित विरोधी है, दूसरा बोलना कि इस्तीफा ही वापस ले लो, दोनों काम तो नहीं हो सकते हैं? ये भीम आर्मी का कभी एजेंडा नहीं रहा है। हम तो साफ साफ बोलना चाहेंगे भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन की तरफ से कि केजरीवाल दलित विरोधी है, उसके साफ साफ आम नीतियाँ दिखेंगी। वो सिर्फ अम्बेडकर का पोस्टर यूज करते हैं, वो सिर्फ भगत सिंह का पोस्टर यूज करते हैं। अम्बेडकर और भगत सिंह के आइडियाज पर सिर्फ हम चलते हैं, और हम अपनी लड़ाई मजबूत कर रहे हैं। वो ग्राउंड में भीम आर्मी का काम देख सकते हो आप। केजरीवाल देखो कहाँ से पार्टी निकली हुई है, वही संघ की विचारधारा से निकली हुई पार्टी है, वही जो जैसे आंदोलन शुरू हुआ था वहीं से केजरीवाल भी संघ की भी पार्टी है ना। आने वाले टाइम में मैं बता दूंगा कि आने वाले 5-6 साल के बाद टाइम देखिएगा किस तरह की चीज़ें होंगी। केजरीवाल वही एजेंडा वही ले जाएगा, वही ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देगा। केजरीवाल की जातिवादी मानसिकता यहीं से दिखती है कि जब पंजाब में चुनाव था तो वहाँ पे 40% SC हैं, ठीक है, और जब SC को संसद में भेजने का मौका आया तो उन्होंने यहाँ के दिल्ली के बनियों को और अपने मतलब उच्च वर्गीय जातिवादी मानसिकता रखते हुए जनरल कास्ट को भेजा। तो इससे पता चलता है कि जाति केजरीवाल इतना जातिवादी है, वो हम लोग ने पहचानने में गलती कर दी, तो उसका हमें उसका खेद है। अब आगे हम लोग उसको उस पर विचार और विमर्श करेंगे, यही कहना उसका जवाब। हाँ, भुगतना पड़ेगा उसको, भुगतना पड़ेगा केजरीवाल जी को।